डियर स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन हब बांसू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सेकंड के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क यानी कि दूध के भौतिक गुणधर्म, तो आज का जो टॉपिक है दूध के भौतिक गुणधर्म। दूध के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं उसमें क्या होते हैं, फर्स्ट कि जो दूध है उसका जो रंग है वो सफेद होता है, किसकी वजह से होता है, कैसीन के कारण होता है। पेपर में पूछ ले आपसे कि दूध का रंग सफेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कैसीन के कारण। लेकिन गाय का जो दूध होता है उसका रंग हल्का पीला होता है वो किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन बनता है कि गाय का जो दूध है उसका रंग सफेद किसके कारण होता है, कैसीन के कारण। गाय का जो दूध है वो हल्का पीलापन लिए होता है, किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि गाय के दूध का जो अपेक्षित घनत्व है वो 1.028 से 1.030 होता है, जबकि भैंस के दूध का जो अपेक्षित घनत्व है वो 1.032 होता है। दूध का जो अपवर्तनांक है वो 1.3440 से 1.3480 होता है, लेकिन जल का जो अपवर्तनांक है वो 1.33 होता है। दूध का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 6.4 से 6.7 के मध्य होता है, यानी हल्का अम्लीय होता है। दूध स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। दूध की जो विद्युत संचालकता होती है वो कितनी होती है, 0.005 महोज होती है। यहां से क्वेश्चन बनता है विद्युत संचालकता है उसकी इकाई क्या होती है, तो आंसर देना है महोज। दूसरी बात करते हैं यहां से दूध का जो गाढ़ापन है वो 1.5 से 2.0 सेंटीपोइस होता है। दूध के अंदर जो अमलता है वो कितने प्रकार की पाई जाती है, दो प्रकार की पाई जाती है, एक प्राकृतिक अमलता होती है और दूसरी विकसित अमलता। प्राकृतिक जो अमलता है वो किसके कारण होती है, CO2 साइट्रेट एल्ब्यूमिन फॉस्फेट के कारण होती है। जो कितनी पाई जाती है ताजे दूध के अंदर, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 0.11% से 0.14% के मध्य पाई जाती है। यानी दूध का जो गाढ़ापन है वो 1.5 से 2.0 होता है। इस गाढ़ापन को भी कौन प्रभावित करते हैं, जैसे कैसीन है, वसा है, एल्ब्यूमिन है, ये दूध के गाढ़ापन को प्रभावित करने लग जाते हैं। तो ये है आपके दूध के भौतिक गुणधर्म। कौन कौन से पॉइंट होते हैं देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं यहां पे। पहला पॉइंट है दूध का रंग सफेद होता है। दूध का रंग कैसा होता है, सफेद किसके कारण होता है, वजह है कैसीन के कारण, कैसीन के कारण, क्योंकि दूध में जो कैसीन है वो कितना पाया जाता है, 80% पाया जाता है। कैसीन की जो मात्रा है वो कितनी पाई जाती है, 80%। नेक्स्ट गाय का दूध हल्का पीलापन लिए होता है। गाय का जो दूध है हल्का पीलापन लिए होता है, जो कैरोटीन के कारण होता है। जो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। थर्ड पॉइंट है दूध स्वाद में मीठा होता है। दूध जो है वो स्वाद में कैसा होता है, मीठा। नंबर चार दूध का जो अपेक्षित घनत्व है, दूध का अपेक्षित घनत्व बात की जाए जिसमें गाय का जो है, गाय के दूध का 1.028 से 1.030, भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व, भैंस
भैंस के दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है 1.032। दूध का आपेक्षिक घनत्व में बात की जाए गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है 1.028 से 1.03 और भैंस के दूध का जो आपेक्षिक घनत्व वो होता है 1.0। नेक्स्ट दूध का जो पीएच मान है, दूध का पीएच मान 6.4 से 6.7 के मध्य होता है अर्थात हल्का अम्लीय होता है, अर्थात हल्का अम्लीय होता है। नेक्स्ट दूध का अपवर्तनांक 1.3440 से 1.3480 होता है। जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। दूध का उबाल बिंदु 101 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूध का उबाल बिंदु कितना होता है 101 डिग्री सेंटीग्रेड। हिमांक बिंदु तथा हिमांक बिंदु -052 से 0.56 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दूध की विद्युत संचालकता, विद्युत संचालकता 0.005 महोज होती है। दूध की विद्युत संचालकता कितनी होती है 0.005 महोज। दूध में अम्लता दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक अम्लता, प्राकृतिक अम्लता, दूसरी होती है विकसित अम्लता। प्राकृतिक अम्लता और विकसित अम्लता, प्राकृतिक जो अम्लता है इसको कौन प्रभावित करते हैं, कैसीन है, एल्ब्यूमिन, CO2, साइट्रेट, फॉस्फेट के कारण होती है। यानी प्राकृतिक जो अम्लता है वो किसके कारण होती है, कैसीन, एल्ब्यूमिन, CO2, साइट्रेट, फॉस्फेट के कारण होती है। और ताजे दूध में कितनी होती है, ताजे दूध में 0.11 से 0.14% पाई जाती है। ताजे दूध में कितनी पाई जाती है 0.11 से 0.14% पाई जाती है। जो विकसित अम्लता है किसके कारण होती है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, वसा, कैसीन प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक अम्लता कैसीन, एल्ब्यूमिन, CO2, साइट्रेट, फॉस्फेट के कारण होती है। ताजे दूध में कितनी पाई जाती है 0.11 से 0.14% पाई जाती है। और विकसित अम्लता को भी को दूध का जो गाढ़ापन है, दूध का गाढ़ापन 68 डिग्री फारेनहाइट 1.5 से 2.0 सेंटीपाइस होता है। होता है 1.5 से 2.0 सेंटीपाइस होता है। इसकी गाढ़ेपन को भी कैसीन, एल्ब्यूमिन, वसा प्रभावित करते हैं।
इसके गाढ़ेपन को भी कैसे वसा एल्ब्यूमिन प्रभावित करते हैं। ये है आपकी दूध की भौतिक गुणधर्म। तो यहां से ये बताया दूध का जो रंग है वो सफेद होता है किसके कारण होता है, कैसीन के कारण। गाय का जो दूध है वो कैसा होता है, हल्का पीला होता है, जो कैरोटीन के कारण होता है। दूध स्वाद में कैसा होता है, मीठा। दूध का आपेक्षिक घनत्व की बात की जाए तो गाय के दूध का कितना होता है, 1.028 से 1.030। भैंस के दूध का जो आपेक्षिक घनत्व है 1.032 होता है। दूध का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 6.4 से 6.7 के मध्य होता है, अर्थात हल्का अम्लीय होता है। दूध का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.3440 से 1.3480 होता है। जल का जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है, 1.33 होता है। दूध का उबाल बिंदु कितना होता है, 101 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि जमाव बिंदु जो हिमांक बिंदु है -0.52 से 0.56 डिग्री सेल्सियस होता है। दूध की जो विद्युत संचालकता है वो कितनी होती है, 0.05 मेगावाट होती है। दूध में अम्लता कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक होती है, दूसरी विकसित। प्राकृतिक जो अम्लता है वो किसके कारण होती है, कैसे एल्ब्यूमिन CO2 साइट्रेट फॉस्फेट के कारण होती है। और ताजे दूध में जो प्राकृतिक अम्लता है वो कितनी पाई जाती है, 0.11 से 0.14% पाई जाती है। दूध का जो गाढ़ापन है 68 डिग्री फारेनहाइट कितना होता है, 1.5 से 2.0 सेंटीग्रेड होता है। दूध के गाढ़ेपन को कौन प्रभावित करता है, कैसीन वसा एल्ब्यूमिन प्रभावित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी।